रजन अनुराग को देखते हुए मन में सोचता है, आखिर ये आदमी है कौन और ये मुझे क्यों पुकार रहा है? मैं तो इसे नहीं जानता, ये मुझे कैसे जानता है? रजन अनुराग के बारे में ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनुराग की घुटन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण उसे सांस में तकलीफ होने लग जाती है। अनुराग खुद कहता है, नहीं, मैं अब यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर एक पल भी इस गुफा के अंदर रहा तो मैं मर जाऊंगा और उस यक्ष की कहानी के चक्कर में मैं मर नहीं सकता। अभी मुझे मेरी यक्षिणी की कहानी लिखनी है। अनुराग को सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी, उसका दम घुटने लग गया था। अनुराग फिर खुद से बोल पड़ता है, अपनी जान बचा अनुराग, अपनी जान बचा, छोड़ उस यक्ष को, वैसे भी शाम होने वाली है। अगर रात होने से पहले तू वापस से ग्रेवयार्ड कोठी नहीं पहुंचा तो यक्षिणी तेरी फिक्र करने लग जाएगी, और अगर उसे पता चला कि तू उस रजन यक्ष को ढूंढते हुए यहां तक आ गया था तो यक्षिणी फिर तुझसे नाराज हो जाएगी, और तू अच्छे से जानता है यक्षिणी को मनाना कितना मुश्किल है। रजन अनुराग को देखते हुए फिर मन में सोचने लग जाता है, ये आदमी कैसी कैसी बातें कर रहा है मेरी यक्षिणी के बारे में, ये मेरी कामेश्वरी को कैसे जानता है, आखिर ये है कौन? रजन कुछ और सोचते हुए कहता है, बस बहुत इंतजार कर लिया सही वक्त का, जब इस आदमी की गर्दन मेरे हाथ में होगी ना तब ये खुद ही मुझे सब कुछ बता देगा कि ये कौन है और ये मेरी यक्षिणी को कैसे जानता है। सिर्फ यक्षिणी को नहीं बल्कि मुझे भी, साथ में ये भी बताएगा कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, इसे कैसे पता मैं इस अंधेरी गुफा के अंदर फंसा हुआ हूँ। इतना कहकर रजन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। वो कुछ डर सा जाता है। रजन घबराते हुए मन में सोचता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? रजन की नजर किसी और चीज पर नहीं बल्कि अनुराग की कलाई पर बने पानी की बूंद, आग और बवंडर के जो तीन निशान थे उन पर पड़ी थी। अंधेरे में भी वो निशान रजन को साफ नजर आ रहे थे। वो अपने आप हल्की हल्की पीली रोशनी में चमकने लग गए थे जिस पर अनुराग का ध्यान ही नहीं गया था। रजन खुद से कहता है, ये तो वही तीन निशान है जो भक्षानर के वंशजों के हाथ में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भक्षानर का वंशज है। इतना कहकर रजन खुद शांत पड़ जाता है। अनुराग की कलाई पर बने निशान को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रजन फिर मन में सोचता है, अगर ये भक्षानर का वंशज है तो फिर ये यक्षिणी को कैसे जानता है, और ये यक्षिणी से इतना डर क्यों रहा है? मैंने अभी इसके मुंह से सुना कि यक्षिणी इसका इंतजार कर रही होगी, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? रजन इतना तो समझ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है, उसका एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता था। रजन थोड़ी समझदारी दिखाते हुए खुद से कहता है, पहले मुझे इस गुफा से बाहर निकलना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, उसी के बाद मैं कुछ करूंगा, अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। रजन वहीं पर खड़ा रहता है। अनुराग भी वहां से बाहर निकलने का मन बना लेता है और अपने कदम वापस पीछे की तरफ खींचने लग जाता है। अनुराग वहां से बाहर निकलने लग जाता है। रजन खुद से कहता है, अब यही आदमी मुझे इस अंधेरी गुफा से बाहर निकालेगा। रजन भी उस आदमी के पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अनुराग बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके साथ कोई और भी कदम बढ़ा रहा हो, कोई उसके पीछे चल रहा हो। अनुराग तुरंत रुक जाता है और पीछे पलट कर देखने लग जाता है। रजन उसी वक्त अंधेरे में एक बड़े से पत्थर का सहारा लेकर उसके पीछे छुप जाता है। वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि पीछे पलटने के बाद भी अनुराग को अंधेरे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। अनुराग तुरंत अपनी जेब में से लाइटर निकालता है और उसे जलाकर अपने आसपास देखने लग जाता है, पर उस रोशनी में भी उसे कोई नजर नहीं आता है। अनुराग अंधेरे में देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कोई तो था, मैंने किसी के कदमों की आहट तो सुनी थी पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? अनुराग फिर आवाज लगाता है, रजन, रजन। रजन पत्थर के पीछे ही छुपा रहता है। अनुराग के पुकारने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। रजन फिर मन में सोचने लग जाता है, इस आदमी के बारे में तो मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर ये मुझे कैसे जानता है? अनुराग कुछ वक्त तक एकटक नजर से उसी तरफ देखते रहता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई आवाज सुनाई देती है। अनुराग बोल पड़ता है, शायद वो आहट मेरा वहम था, यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। इतना कहकर अनुराग फिर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। रजन भी आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अनुराग के पीछे जाने लग जाता है। बाहर की तरफ कदम बढ़ाते वक्त कई बार अनुराग को यह एहसास होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर वो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता है, आगे कदम बढ़ाते जाता है। कुछ ही देर में अनुराग गुफा से बाहर निकल जाता है और अनुराग के पीछे पीछे ही रजन भी अंधेरी गुफा में से बाहर निकल जाता है। जैसे रजन अंधेरी गुफा से बाहर कदम रखता है, वो अपने अतीत की यादों में से भी बाहर आ जाता है। इस वक्त वो कामेश्वरी यक्षिणी के साथ बंगला मुड़ा घाट पर मौजूद था और कामेश्वरी यक्षिणी को वो सब कुछ बता चुका था।
रजन अपनी बात खत्म करते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, जब अनुराग का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आया तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। मैं जान गया कि वो एक लेखक बनना चाहता है। वो तुम पर कहानी लिख रहा है और उसे कहानी जो बता रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कामेश्वरी तुम खुद हो। तुम अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में ही रह रही हो। तुमने ही अनुराग को मेरे बारे में बताया होगा और उसके मन में कई सारे सवाल थे जो वो मुझसे पूछना चाहता था। उन सवालों के जवाब पाने के लिए ही मुझे ढूंढते हुए वो उस अंधेरी गुफा तक पहुंच गया था। रजन एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर खींचते हुए फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, मैं चाहता तो पहले अनुराग से भी मिल सकता था कामेश्वरी, पर उससे भी पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे मिलकर बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी अब रजन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, उसके मन में तो कुछ और ही चलने लग गया था। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि लेखक बाबू मुझे बिना बताए उस पहाड़ के पास चले गए थे। ये लेखक बाबू भी ना, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कहानी लिखने के चक्कर में ये किस आफत को अपने साथ ले आए हैं। लेखक बाबू को तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी मुझे इस रजन से निपटना होगा वरना ये सब बर्बाद कर देगा। रजन कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी रजन से नजरें मिलाते हुए भारी आवाज में ही कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो रजन? मैं कुछ समझी नहीं, मैं क्या कर रही हूँ? रजन कुछ गुस्से के साथ पलट कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं कामेश्वरी, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम क्या कर रही हो? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहती उससे पहले ही रजन खुद ही बोल पड़ता है, ठीक है, अगर तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो, तुम उस अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में क्यों रह रही हो, वो भी एक पत्नी की तरह उसकी सेवा करके? कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ पलट कर कहती है, क्योंकि मैं लेखक बाबू से प्यार करती हूँ रजन, इसलिए मैं उनके साथ रह रही हूँ। रजन अपनी भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? प्यार? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ रजन, प्यार, पर तुम प्यार को कैसे जानोगे? तुमने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं ना। रजन कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो कामेश्वरी, मैंने प्यार नहीं किया? मैंने? तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने प्यार नहीं किया? मैंने तुमसे प्यार किया है कामेश्वरी, बेइंतहा प्यार। ये प्यार ही तो है जो मुझे उस लोक से इस लोक में ले आया है। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए ही तो मैं इस लोक में आया हूँ। कामेश्वरी आक्रोश के साथ पलट कर कहती है, तुम यहाँ पर मेरे प्यार को पाने के लिए नहीं आए हो रजन, कुछ और ही पाने के लिए आए हो। कामेश्वरी यक्षिणी रजन की आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकती हूँ, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं वासना भरी है। रजन, तुम वासना की तड़प में यहाँ तक आए हो, ना कि प्यार में। रजन अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, मेरे प्यार को वासना के तराजू में मत तौलो कामेश्वरी, ये झूठ मत बोलो। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं सच बोल रही हूँ रजन, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, चाहे तो अपनी वासना से भरे मन से खुद ही पूछ लो। रजन फिर बोल पड़ता है, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए वासना भरी हुई है तो उस अनुराग के मन में तुम्हारे लिए क्या भरा हुआ है कामेश्वरी? तुम जानती हो ना वो अनुराग भक्षानर का वंशज है, वही भक्षानर जिसने तुम्हें सदियों पहले पृथ्वी लोक पर बुलाया था और तुमसे भी पहले ना जाने कितनी औरतों के साथ सो चुका था। वो वासना से भरा हुआ था, मैं नहीं, और अनुराग भी अपने पूर्वजों की तरह वासना से भरा हुआ है, फिर भी तुम उसके साथ एक ही छत के नीचे रह रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, मैं सब जानती हूँ रजन, मैं किसी चीज से अनजान नहीं हूँ। लेखक बाबू भक्षानर के वंशज भले ही हो, पर वो भक्षानर नहीं है बल्कि बहुत अच्छे इंसान है। मैंने देखा है उन्हें, वो उस भक्षानर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, एक गुण तक उनका उस भक्षानर से नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, मेरे लेखक बाबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं। रजन कहता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता कामेश्वरी, वो बस अपनी कहानियों से प्यार करता है और अपनी कहानी लिखने के लिए तुम्हारे साथ रुका हुआ है। देखना, जिस दिन वो कहानी लिख लेगा वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नहीं रजन, लेखक बाबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और ना ही मैं उन्हें कभी छोड़कर जाऊंगी। रजन कामेश्वरी यक्षिणी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है कामेश्वरी, तुम सच को अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं देख पा रही हो। सच कहा है किसी ने, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और तुम भी वही हो चुकी हो, तभी तुम कुछ देख नहीं पा रही हो। पर अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दूंगा, तुम बस चलो मेरे साथ यहाँ से। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुम्हारे साथ चलूं पर कहाँ रजन? रजन जवाब देता है, हमारे लोक में कामेश्वरी, यक्षिण लोक, वही तो हमारा लोक है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैं इस लोक से कहीं नहीं जा सकती रजन, मैं यहाँ पर बंध चुकी हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं मुझे महाडायन ने अभिशाप दिया है जिसके कारण मैं बंधी हुई हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रजन कहता है,
मुझे पता है कामेश्वरी, मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अभिशाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। रजन कुछ गुस्से के साथ कहता है, तुम मार दो उस भक्षानर के वंशज अनुराग को और चलो मेरे साथ। कामेश्वरी यक्षिणी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं रजन, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अब ये पृथ्वी लोक ही मेरा लोक है। अभिशाप मिलने के साथ ही मैं भी इसी लोक की निवासी बन गई हूँ। अब मैं यहीं पर रहूंगी, वो भी अपने लेखक बाबू के साथ। रजन पलट कर कहता है, नहीं कामेश्वरी, तुम इस लोक की नहीं हो। तुम्हारा इस लोक में रहना, वो भी उस भक्षानर के वंशज के साथ, यानी परमेश्वर के बनाए हुए नियम के विरुद्ध जाना। तुम इस तरह परमेश्वर के बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ सकती हो। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नियम बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए रजन, और सबसे जरूरी बात, प्यार में कोई नियम लागू नहीं होता है। प्यार खुद अपने हर पड़ाव के साथ एक नया नियम बनाता है और पुराना तोड़ता है। प्यार में बस प्यार होता है, वहां पर कोई नियम नहीं होता है। रजन कुछ गुस्से के साथ कहता है, पृथ्वी लोक में भले ही नियम तोड़े जाते हो कामेश्वरी, पर यक्षिण लोक में कोई नियम तोड़े नहीं जाते हैं, ना ही यक्षिण लोक के निवासी कोई नियम तोड़ते हैं, और उसी के अनुसार यक्षिण लोक का सेनापति होने के आधार पर तुम्हारा विवाह मेरे साथ तय हुआ था। तुम मेरी पत्नी हो। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह तय जरूर हुआ हो रजन, पर विवाह हुआ नहीं था, और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो मुझे अपनी पत्नी बोलना बंद करो, समझे तुम? और रही नियम की, तो भूलो मत, हम इस वक्त यक्षिण लोक में नहीं बल्कि पृथ्वी लोक में हैं, और इस लोक में प्यार से बड़ा कोई नियम नहीं, कोई प्रथा नहीं। प्यार सभी प्रथा को तोड़ देता है। कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनकर रजन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रजन आक्रोश के साथ कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, तो समझ जाओ कामेश्वरी, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, गुस्सा तो तुम मुझे दिला रहे हो रजन, अपना रौब मुझ पर जताकर। भूलो मत मैं कौन हूँ, मैं अब भी यक्षिण लोक की महारानी हूँ। रजन कहता है, यही बात याद रखकर तो तुमसे बात कर रहा हूँ कामेश्वरी, वरना अभी तक तो। इतना कहकर रजन खुद चुप हो जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी भी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, वरना अभी तक क्या रजन? रजन कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम प्यार मोहब्बत से समझ जाओगी, पर लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर तुम्हें लेने के लिए आया था कामेश्वरी, और तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।